प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। प्रोटोजोआ से जो रोग होती है उसके बारे में बताना। जैसे मलेरिया, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम मलेरियाई से, ठीक है। प्लाज्मोडियम मलेरियाई से होता है। यहाँ पर जो पूरा नाम क्या है, वाई वैक्स भी है, ठीक है, वाई वैक्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाई वैक्स से। एम्बियासिस जो होती है, अमीबियासिस, वो एंट अमीबा के कारण होती है। आंत में जो होती है बताए थे, एम्बिबियासिस जो होता है एंट अमीबा के कारण होता है। अब पूरा नाम क्या है, एंट अमीबा सिम्लेक्स, ठीक है, एमीबियासिस से एंट अमीबा सिम्लेक्स है। ओके, एंट अमीबा सिम्लेक्स। काला आजार जो होती है लीशमैनिया नामक बालू मक्खी के काटने से होती है, ठीक है, लीशमैनिया से होती है, यानी जिसको बालू मक्खी के भी कहते हैं, बालू मक्खी के काटने से होती है काला जार, ठीक है, बालू मक्खी के काटने से होती है। बालू कैसी होती है, मिट्टी से निकलती है, काला काला मिट्टी से, ठीक है, तो काला आजार किससे होती है, तो बालू मक्खी से होती है। ओके, मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के कारण होती है। अब भारत में 67% तो वाइवैक्स से होता है, ठीक है, वाइवैक्स पी से। एम्बियासिस जो होती है एंटामीबा सिम्लेक्स के कारण होती है, काला जाल लीशमैनिया के कारण होती है, ठीक है। पायरिया जो होती है किसके कारण होती है, एंट अमीबा जिंजीवेलिस। देखिए एम्बियासिस जो होती है एंट अमीबा सिम्लेक्स है एम्बियासिस, और जबकि पायरिया होती है एंट अमीबा जिंजीवेलिस से। इसमें सिम्लेक्स जुड़ा हुआ है, इसमें जिंजीवेलिस जुड़ा हुआ, पायरिया में जिंजीवेलिस जुड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, जिंजी वेरिस। सोने की बीमारी जो होती है ट्रिपेनोसोमा के कारण होती है। ओके, सोने का बीमारी किसके कारण होती है, सोने का बीमारी ट्रिपेनोसोमा के कारण होती है। ओके, ट्रिपेनोसोमा के कारण क्या होती है, सोने की बीमारी। कृमि जनित रोग के बारे में जानना है, जो कृमि से होती है, फाइलेरियासिस कहलाता है, ठीक है, फाइलेरिया को फाइलेरियासिस कहते हैं। इसमें देखिए तीनों में एसिस एसिस एसिड देख रहे हैं ना, ठीक है, फाइलेरिया में भी, टीनियसिस में भी, एस्कोरियसिस में भी, ठीक है। तो फाइलेरिया जो होती है किसके कारण होता है, कहते हैं कि बुचेरिया बेनकाफ्टाइस से होती है। तो उसका बुचेरिया का पूरा नाम क्या है, बुचेरिया लिखा हुआ है, ठीक है, हालांकि बुचेरिया हम लोग पढ़े हैं लूसेंट में। ओके, उसी से याद रखिएगा, बुचेरिया बेनक्राफ्टाइस है। और इसके साथ साथ एक और होती है बुर्गिया तिमोरी के कारण। ओके, बुर्गिया तिमोरी के कारण। ओके, फाइलेरिया देखिए दोस्तों किसी को भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन इसको एक एग्जाम्पल के अनुसार समझ सकते हैं। बुजुर्ग बुर्गिया यानी बुजुर्ग, बुर्गिया यानी बुजुर्गों को होता है, एक ट्रिक में मात्र बता रहा हूँ याद करने का, ठीक है। तो बुजुर्ग बुर्गिया बुजुर्गों को यानी फाइलेरिया जो होती है किसके कारण होती है, बुचेरियाई बेनक्राफ्टाइस से और बुर्गिया तिमोरी से होती है। ओके, बुर्गिया तिमोरी से होती है। नेक्स्ट है टीनियसिस जो होती है किसके कारण होती है, टीनिया सोलियम के कारण होती है। ओके, टीनियसिस जो होती है टीनिया सोलियम होती है। टीनियसिस किसके कारण होती है, टीनिया सोलियम होती है। एस्कोरियसिस जो होती है एस्केरिस लुम्बरी क्वाइडिस से होती है। एस्केरिस जो होती है एस्केरिस लुम्बरी क्वाइड डिस, ठीक है। एस्कोरियसिस किसके कारण होती है,
एस्केरियसिस लुम्बरिकॉइडिस के कारण होती है? फुफ्फुस धूलमियता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं निमो कॉन्सिसिस, ठीक है, निमो कॉनी योसिस कहलाता है, निमो कॉनियोसिस से होने वाले, ये कोयला के खानों में काम करने वाले जो लोग होते हैं उसको होते हैं, ठीक है, निमो कॉनो निमो कॉनोसिस से, निमोकोनियोसिस किसके कहाँ होती है? कोयला के खान में जो कार्यरत जो श्रमिक होती है, लेबर, उसको होती है, ठीक है। अब ब्लैक लंग रोग भी इसी को होती है। तो देखिए, ब्लैक लंग यानी फेफड़ा निमोनिया में भी क्या ग्रसित होती है? फेफड़ा। इसलिए निमोकोनियोसिस से याद रखिएगा, निमोकोनियोसिस से जो कोयला के खान में कार्यरत होती है ब्लैक लंग को ही क्या निमोकोनियोसिस कहलाता है, क्योंकि न्यूमोनिया होती है, फेफड़ा ग्रसित होती है, और काला जो फेफड़ा होती है, ठीक है, वो भी किसके कारण होती है? ब्लैक लंग, ब्लैक लंग जो होती है यानी फेफड़ा, ओके, ब्लैक लंग से फेफड़ा ग्रसित होती है, निमोनिया से ही फेफड़ा ग्रसित होती है, तो इसलिए निमोनिया याद रखे, निमो कॉनियोसिस, पी यहाँ साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। पौधा में लगने वाला जो महत्वपूर्ण जो बीमारी है उसके बारे में जानना है, ठीक है, पौधा में कौन सा बीमारी लगती है ये जानना है। इससे पहले ये वाला जान लेते हैं कि कवक से होने वाला कौन रोग है। देखिए, एथलीट फुट बताए थे कि जनरली ये गीला, ज़्यादा देर जूता पहने रहना, ठीक है, तो किसके कारण होते हैं? ट्रैक पर ज़्यादा देर दौड़ने से, ठीक है, ट्राइको फाइटोन के कारण, ट्राइको फाइटेन फाइटोन के कारण होती है एथलीट फुट का बीमारी, और साथ ही साथ माइक्रोस्पोरम के कारण भी होती है। ये दोनों क्या है? कवक है। पहले तो ये भी पूछ लेगा कि ट्राइको फाइटोन क्या है, ये कवक है, और माइक्रो स्पोरम भी क्या है, ये भी कवक है, ठीक है। ट्राइको फाइटोन क्या है और माइक्रो स्पोरम क्या है, ये कवक है दोनों, और ये इसी से होती है एथलीट फुट, ठीक है, दोनों के कारण एथलीट फुट होती है। दूसरा पूछेगा एस्केरस स्केबिज क्या है, ये भी कवक है, एस्केरस स्केबिज क्या है? कवक है, ठीक है, एस्केरस इसके बीज जो है कवक ही है। इस सब के नाम में क वर्ड खास देख रहे हैं, ठीक है, एसके को के को, ठीक है, को के को जो है कवक जनित रोग में दिखाई पड़ रहा है, वर्ड स्पेशल बीच में पर, और स्केरेस इसके बीज से क्या होता है? स्केबीज होता है, स्केबीज को हिंदी में कहते हैं खाज, ठीक है, स्केबीज को हिंदी में कहते हैं खाज, और इससे क्या होती है? स्केबीज होती है, स्केबीज से स्केबीज होती है, ठीक है, स्केबीज से स्केबीज, लेकिन कौन सा स्केबीज? तो एकेरस स्केबीज से, एकेरस स्केबीज से होती है, और दाद जो होगी किसके कारण होती है? राउंड बॉम के कारण होगी, यानी दाद जो होगी किसके कारण? राउंड बॉम, दाद को इंग्लिश में कहते हैं रिंग बॉम, ठीक है, रिंग बॉम, गोल तरह से आपको दिखाई पड़ता होगा, तो ये भी, ये किसके कारण होती है? तो ये भी ट्राइकोफाइटोन के कारण, देखिए एथलीट फुट भी ट्राइकोफाइटोन से होती है, साथ ही साथ रिंग बॉम भी जो होती है ट्राइकोफाइटोन से होती है, साथ ही साथ दाद जो होगी कहाँ होगी? एपिडर्मिस में होगी, एपिडर्मिस का मतलब चमड़ा, तो एपी यहाँ पर देखिए एपी डर्मो लिखा हुआ है ना, एपिडर्मो डर्मो, तो एपिडर्मी का मतलब चमड़ा, तो चमड़ा पर होता है, इसलिए इसका कवक का नाम रख दिया क्या? एपीडर्मो फाइटोन, एपीडर्मो फाइटोन नाम रख दिया है, ओके, ट्राइको फाइटोन भी है और एपीडर्मो फाइटोन भी है, इससे क्या होता है? रिंग वॉर्म होता है, ओके। रिंग बॉम हुआ ट्राइकोफाइटोन, एपी डर्मो फाइटोन से,
स्केबीज होता है, स्केबीज यानी एक ही रस, एक ही होगा, एक ही रस स्केबीज, ठीक है। और एथलीट फूड जो होगा, एथलीट फूड ट्राइकोफाइटोन के साथ साथ माइक्रोस्पोरम के भी होगा, ठीक है। एथलीट फूड को ये कवक जनित रोग है, और साथ ही साथ ये सबको भी याद रखिएगा, ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम ये कवक ही है, ठीक है। स्केरस क्या है? कवक ही है, स्केरस स्केबीज। फिर पूछेगा ट्राइकोफाइटोन तो हो ही गया कि ये कवक है, साथ ही साथ एपिडर्मोफाइटोन क्या है, तो ये भी याद रखिए कि ये कवक है, ठीक है। नेक्स्ट है कवक यानी पादप में जो रोग होती है। देखिए सबसे ज्यादा प्लांट में जो बीमारी होती है तो ये बता देता हूँ, कवक के द्वारा ही होती है, ठीक है। प्लांट में सबसे ज्यादा जो बीमारी होगी कवक यानी फंगी के कारण ही बीमारी होती है, तो याद रखिएगा। आलू का विलंबित अंगमारी रोग जो होती है, आलू का जो विलंबित अंगमारी रोग होती है ये फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस के कारण होती है, ओके। आलू का विलंबित अंगमारी रोग किसके कारण होती है? फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस के कारण, ठीक है। तो फाइटोप्थोरा देखिए, पी से पोटैटो होता है, पी एस से फा होता है, पी से पा पी एच फा, तो फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस, इस प्रकार रिलेशन बना के याद रखना है, ठीक है। फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस के कारण आलू में विलंबित रोग, विलंबित बोल रहे हैं, और पूर्व अगमारी होगा तो आलू में पूर्व अगमारी हो जाएगा तो ऑल्टरनेरिया सोलोनी होगा। कौन होगा? ऑल्टरनेरिया सोलोनी, ठीक है। ऑल्टरनेरिया सोलोनी, देखिए आलू का पूर्व अगमारी रोग, पूर्व का मतलब होता है पहले। अब मैंने पढ़ाया था सलोनी को पूर्व में, यानी पहले पढ़ाया था, पूर्व मतलब पहले, तो पूर्व अगमारी रोग सलोनी से होगा। तो सलोनी का पूरा नाम क्या है? अल्टरनेरिया सोलनी, ठीक है। अल्टरनेरिया सोलनी, सोनाली से याद रख सकते हैं आप। मूंगफली का टीका रोग किसके कारण होता है? सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के कारण होती है, ठीक है। मूंगफली में सबसे पहले तो यही ध्यान रखें कि आलू में पूर्व अगमारी रोग होता है, साथ ही साथ विलंबित अगमारी भी, पूर्व अगमारी के साथ साथ विलंबित यानी पहले और बाद, ये दोनों याद रखना है कि दोनों आलू में होता है, और साथ ही साथ मूंगफली में कौन सा रोग होता है ये ध्यान रखिएगा, तो टिक्का रोग होती है। क्वेश्चन इस प्रकार बनाता है कि पहले इसमें भले एक साथ लिखा है, पूछेगा टिक्का रोग किसके होती है, आलू मूंगफली गन्ना, ऐसे पूछेगा। तो याद रखिए टिक्का रोग मूंगफली को होती है, और यह किसके कारण होती है? सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के कारण होती है, ठीक है। सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के कारण होती है, ठीक। गन्ना का लाल विलंगन रोग जो किसके कारण होती है? तो कोलेट्रोट्राइकम फाल्केटम के कारण होती है। गन्ना का लाल रंग, लाल विगलन रोग जो होगा किसके कारण होते हैं? कोलेट्रोट्राइकम फाल्केटम के कारण होगी। और गन्ना का कौन सा हिस्सा जो रोपते, तना रोपते हैं, ठीक है। गेहूं का काला कीट रोग जो होता है किसके कारण होता है? पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रीटी से होता है, पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रीटी से होता है। गेहूं का काला कीट रोग किसके कारण होता है? पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रीटीसी। गन्ना का लाल विगलन रोग जो होगा किसके कारण? तो कोलेटो ट्राइकेटम फाल्केटम के कारण, ठीक है। कोलेटो ट्राइकम फाल्केटम ये क्या है? कवक है। सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा क्या है? कवक है जो मूंगफली में टिक्का रोग उत्पन्न करता है। अल्टरनेरिया सोलोनी क्या है? आलू का पूर्व अगमारी रोग कर देता है, आ यही लेट वाला होगा तो कौन होगा? फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस हो जाएगा, ओके। आलू का फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस। गेहूं का काला कीट रोग किसके कारण होगा? तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रीटी से होगा। गेहूं का स्लथ कंड, गेहूं का स्लथ कंड बीमारी होती है। क्या होती है? गेहूं को स्लथ कंड बीमारी होती है, वो किसके कारण होती है? अस्टीलेगा ट्रीटी से होती है, ठीक है। अस्टीलेगा
लेगो टीटी से होगी, काला कीट रोग गेहूं का क्या हो जाएगा, टीटी सी से तो होगी, लेकिन कौन सा, तो ग्रेमिनिस टीटी से है, पक्सिनिया ग्रेमिनिस टीटी से होगी। गेहूं का काला कीट रोग, गेहूं का ये स्लथ कंड कर देंगे तो ऑस्ट्रेलिया टीटी से होगा, किससे होगा, ऑस्ट्रेलिया टीटी से। गेहूं का चूर्ण आशिता रोग किसके कारण होगा, इरी साइफी से, इरी साइफी ग्रेमिनिस से होगा, इरी साइफी ग्रेमिनिस से होगा। दूसरा ये भी पूछेगा कि इरी साइफी क्या है ग्रेमिनिस, तो बोलिएगा ये कवक है। ओके, ग्रीन ग्रीन दिखाई पड़ता होगा, ओके काय, तो वो क्या है, कवक है। ओके, याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि काई कवक नहीं है, मैं मात्र बता रहा हूँ कि कवक लग गया है जिस कारण से यानी मर गया है। तो गेहूं का चूर्ण अस्मिता रोग जो होगा ईरी साइफी ग्रेमिनिस से होगा। और गेहूं का ही स्लथ कंड जो रोग होगा अस्थि लेगा टीटी से होगा। और गेहूं का ही काला कीट रोग जो होगा किसके कारण होगा, तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रीटी से होगा। ये सभी कवक है। क्रूसीफेर का सफेद कीट किसके कारण होती है, ए तो एल ब्यूगा कैंडिडा के कारण होता है। क्रूसीफेरा का सफेद कीट जो होता है तो एल ब्यूगा कैंडिडा से होता है। और गेहूं का काला कीट रोग जो होगा किसे कहना होगा, पक्सिनिया ग्रेमिनिस से होगा ट्रीटी से, ठीक है, पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रीटी से। जबकि क्रूसीफेरा का सफेद कीट होगा, क्रूसीफेरा का सफेद कीट, ये भी पूछ सकता कि सफेद कीट बीमारी किसमें होता है, तो बोलिएगा क्रूसीफेरा में, ठीक है, तो वो किसके कारण होती है, तो एल्बियोगा कैनेडिडा के कारण, ठीक है, कहाँ, तो एल्बियोगा कैनेडिडा से। ये तो आसानी से याद रख सकते सकते हैं, सफेद सफेद से याद रखना है कॉटन, ठीक है, कॉटन कहाँ से आती है, अमेरिका पाकिस्तान ये सब से आती है, कनाडा से आती है, तो कनाडा से कनाडा याद रखना, कनाडा से कनाडा। तो सफेद कीट जो बीमारी होगी कुर्सी फेरी में तो क्या होगा, कनाडा से होगा। तो पूरा नाम क्या है, एल्बियो कनाडा। पूछेगा ये भी कि एल्बियो कनाडा क्या है, कवक जन कवक है। बाजरा का मृदुरोमेल अस्मिता, बाजरा का मृदुरोमेल अस्मिता जो होगी किसके कारण होगी, तो स्केलरो स्पोरा ग्रेमी कोलाई कारण होगा, स्केलरो स्पोरा ग्रेमी कोलाई कारण, बाजरा में मृदुरोमेल अस्मिता रोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्केलरो स्पोरा ग्रेमी कोलाई देख रहे हैं, जो बाजरे में मृद्रो मेल अस्मिता रोग होती है, साथ ही साथ यहाँ रखिएगा इस सर्कस सर्कस पोरा पर्सोनेटा के कारण क्या होगा, मूंगफली का टिक्का रोग होगा, ठीक है। कुर्सी फेरा का यही कहे, देखिए कुर्सी फेरा का सफेद कीट होगा एल्बियोगा कैनेडिडा से, सफेद से बताए थे कैनाडा, ठीक है, लेकिन कुर्सी फेरा का वही मृदुरोमिल अस्मिता कहेंगे तो क्या हुआ, मृदुरोमिल अस्मिता कहेंगे तो किसके कारण होगा, तो पेरोनो स्पोरा पैरासाइटिका से होता है, पेरोनो स्पोरा पैरासाइटिका, तो क्रूसीफेरा का मृदुरोमिल अस्मिता रोग होगा। ओके, क्रूसीफेरा का मृदुरोमिल अस्मिता रोग किसके कारण होगा, तो पे रोनो स्पोरा पैरासाइटिका के कारण होगा। ओके, बाजरा का इरिगॉट रोग किसके कारण होती है, तो क्लेविसिप्स सुई फॉर्सिसिस से, क्लेविसिप्स से, ठीक है, क्लेविसिप्स से याद रखिएगा, बाजरे का इरगॉट रोग किसके कारण हुआ, क्लेविसेप्स से। यही बाजरे का मृदुरोमेल अस्मिता रोग हुआ, स्केलरोस्पोरा ग्रेमिकुला के कारण होगा। ये कवक जनित रोग है।
इरगॉट रॉक किसके कान होगा? पहले तो यही पूछा कि इरगॉट किसमें होगा, तो बोलिएगा बाजरा में होगा। ये क्लेविसेप्स सुई फॉरोसिस से कारण होता है, क्लेविसेप्स सुई फॉरोसिस से होगा। आलू का बाट रोग जो होगा किसके कारण होगा? तो सिनकीट्रियम एंडोबायोटिकम। ओके, सिनकीट्रियम एंडोबायोटिकम के कारण होगा आलू का वाट रोग। आलू में वाट रोग होती है किसके कारण होता है? सिनकीट्रियम एंडोबायोटिकम के कारण। आलू कम खाओ नहीं तो वाट लग जाएगी, बायोटिक से वाट लग जाएगी। ओके, बायोटिक से वाट लग जाएगी, बायोटिक से वाट याद रखना। आलू का वाट रोग जो होगा किसके कारण होता है? बायोटिक के कारण, यानी वाट लग जाएगी। इंडो बायोटिक सिनिकीट्रियम इंडोबायोटिकम के कारण होती है आलू का वाट रोग। नेक्स्ट है बाजरा का ग्रीन ईयर रोग जो होगा किसके कारण होता है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकुलाए कारण। ओके, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमी कोला के कारण होता है। अमरीद्रो रोमेल अस्मिता भी स्क्लेरो ग्रेमी कोला के कारण होता है बाजरे में ही। ओके, अब बाजरे में ग्रीन ईयर रोग के साथ साथ बाजरे में अमरीद्रो रोमेल अस्मिता रोग, ये दोनों ही होगा किसके कारण? तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमी कोला के कारण ही होगा। ठीक है, राय का इरगॉट रोग किसके कारण होता है? तो क्लेविसेप्स पर्पुरिया के कारण राय में इरगॉट रोग हो जाती है। ठीक है, राय में भी इरगॉट रोग हो जाती है किसके कारण? तो क्लेविसेप्स पर्पुरिया के कारण। ओके, क्लेविसेप्स पर्पुरिया के कारण राय में इरगॉट होती है। पुड़िया खाते हैं ना, पुड़िया का, पुड़िया में जैसे खाते हैं तो छोटा छोटा टुकड़ा निकलता है राय की तरह, राय की तरह छोटा छोटा टुकड़ा रहता है ना पुड़िया खाते होंगे तो गुटखा वगैरह, पुड़िया, राय को पुड़िया से याद रखिएगा, राय को पुड़िया। ठीक है, तो राय का इरगॉट रोग किसके कारण होगा? परपुड़िया के कारण, पुड़िया से परपुड़िया याद रखिएगा, पुड़िया से परपुड़िया। ठीक है, और राय की तरह दिखाई पड़ता है पुड़िया, पुड़िया जो होगा राय की तरह काला काला होता है, ब्राउन कलर का खाने वाला। तो क्लेविसेप्स परपुड़िया याद रखिएगा, राय का इरगॉट रोग होता है। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस किसे कहते हैं? तो ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस किसे कहते हैं? हेलमिंथो स्पोरियम ओराइजी के कारण। ठीक है, राई फॉर क्या रखना याद? राइस, राई फॉर राइस याद रखना है। ओराइजी में राई देख रहे हैं ना, ओराइजी में राई, तो राई से, ओराइजी में राई देख रहे हैं तो राई से राइस याद करिएगा, राई से राइस। तो ब्राउन लीफ ऑफ स्पॉट किसके कारण होगा? ओराइजी के कारण होगा। ठीक है, विषाणु जनित पादप रोग और रोगकारी विषाणु। ठीक है, प्लांट में विषाणु से भी होती है, यानी वायरस से भी होती है बीमारी, उसका रोग कारक कौन है? तंबाकू में कौन सा रोग होगा? मोजाइक रोग होता है जो टीएमबी के कारण होता है। टीएमबी का फुल फॉर्म होता है टोबैको मोजिक वायरस। ठीक है, मोजाइक रोग तो यही पूछ लेगा कि किसको होता है, तो बोलेगा तंबाकू का मोजाइक रोग होता है, आलू का भी मोजाइक रोग होता है, फूलगोभी का भी मोजाइक रोग होता है। ओके, लेकिन खाली ये याद रखना तंबाकू का मोजाइक रोग किसके कारण होता है? टीएमबी के कारण, यानी टोबैको मोजाइक वायरस से। ठीक है, इसको टीएमबी के भी नाम से शॉर्ट फॉर्म में आता है एग्जाम में। ठीक है, आलू का मोजाइक रोग जो होगा किसके कारण होता है? तो पोटैटो वायरस वाई के कारण, पोटैटो वायरस वाई के कारण आता है। तो आलू को इंग्लिश में कहते हैं पोटैटो, तो पोटैटो का जो मोजाइक रोग होगा किसके कारण होता है? पोटैटो वायरस के कारण। पोटैटो में मोजाइक रोग होगा किसके कारण? तो पोटैटो वायरस वाई के कारण, वाई याद रखना, जेड नहीं, वाई। बंकी टॉफ ऑफ बनाना किसके कारण होता है? तो बनाना वायरस के कारण होगी। ठीक है, बंकी टॉप ऑफ बनाना किसके कारण होती है? तो बनाना वायरस वन के कारण होगी, बनाना वायरस वन, बनाना वायरस वन के कारण बंकी टॉप ऑफ बनाना होगा। फूलगोभी का मोजाइक रोग किसके कारण होती है? तो फूलगोभी में मोजाइक वायरस के कारण होगी। ठीक है, फूलगोभी
फुलगोभी का मजाक रहो किसके कारण, तो फुलगोभी मजाक वायरस के कारण, फुलगोभी मजाक वायरस के कारण। और गाजर का लाल पत्ती रोग किसके कारण होता है, गाजर लाल पत्ती वायरस के कारण होता है। ठीक है, गाजर का लाल पत्ती रोग किसके कारण होता है, तो लाल पत्ती रोग होता है गाजर लाल पत्ती वायरस, गाजर लाल पत्ती वायरस के कारण क्या होती है, गाजर का लाल पत्ती रोग। इसको तो याद करने कोई दिक्कत ही नहीं है, गाजर का लाल पत्ती रोग, लाल पत्ती रोग होगा लाल पत्ती वायरस से, लाल पत्ती रोग लाल पत्ती वायरस से। ठीक है, मोजैक रोग होगा फूलगोभी का, तो फूलगोभी मोजैक वायरस के कारण होगा। मंकी टॉक और बनाना किसके कारण, तो बनाना वायरस वन के कारण होगा। ठीक है, अजैविक पादप रोग, अजैविक अबायोटिक, ठीक है, बायोटिक होता है एक अबायोटिक होता है, तो अबायोटिक के कारण पादप रोग होते हैं कौन कौन, नींबू में डाई बैक रोग हो जाता है, तो किसके कारण होती है, कॉपर की कमी कारण, डाई बैक के कारण क्या होगी, कॉपर की कमी के कारण। ठीक है, आंवले में आंतरिक निक्रोसिस क्या होती है, बोरन की कमी के कारण होती है, आंवले में आंतरिक निक्रोसिस हो जाती है। ठीक है, आंवले में क्या हो जाती है, आंतरिक निक्रोसिस, तो ये किसके कारण होती है, तो बोरोन की कमी के कारण होती है। नींबू में लिटिल लीफ किसके कारण होती है, तो कॉपर की कमी के कारण। देखिए नींबू में दो बीमारी हो गया, एक लिटिल लीफ और डाईबैक, ये दोनों ही कॉपर की कमी के कारण होती है, लिटिल लीफ नींबू का और नींबू का ही डाईबैक रोग, दोनों ही कॉपर की कमी के कारण होती है। आम में लिटिल लीफ किसके कारण होती है, तो जिंक की कमी के कारण होती है, जस्ता की। ओके, आलू में लिटिल लीफ किसके कारण होती है, जिंक के कारण, नींबू में लिटिल लीफ किसके कारण और डाईबैक रोग, दोनों कॉपर की कमी के कारण, आंवले में आंतरिक निक्रोसिस किसके कारण होती है, तो बोरन की कमी के कारण, आम में लिटिल लीफ जिंक के कारण होती है। मटर में मार्स रोग होती है किसके कारण, तो मैग्नीज की कमी के कारण हो जाती है। मटर में कौन सा रोग होता है, मैग्नीज की कमी के कारण होती है। धान में खैरा रोग होती है किसके कारण, तो जस्ता की कमी के कारण, धान में खैरा रोग किसके कारण होती है, तो जस्ता की कमी के कारण। देखिए धान में खैरा रोग तो वही बता ही देता है कि जिंक की कमी हो जाती है, साथ ही साथ आम में भी, और ये जस्ता की कमी किस किस में, आम अगर धान में जिंक की कमी हो गई और आम में जिंक की कमी हो गई तो बीमारी हो जाती है, तो धान में खैरा रोग होगा और आम में लिटिल लीफ होगा, और दोनों ही जिंक की कमी से होती है। मटर में मार्स रोग होती है, मैग्नीज की कमी के कारण हो जाती है। फूलगोभी में वीटेल रोग किसके कारण आता है, वीटेल, फूलगोभी में वीटेल रोग जो होती है किसके, मॉलिब्डेनम की कमी के कारण याद रख होती है। ठीक है, मॉलिब्डेनम की कमी के कारण होती है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मॉलिब्डेनम का इंडिकेटर क्या है। फूलगोभी में वीटेल रोग किसके कारण होती है, तो मॉलिब्डेनम की कमी के कारण होती है। चुकंदर में हार्ट रॉट रोग जो होती है किसके कारण होती है, तो बोरन की कमी के कारण, चुकंदर में हार्ट रोग किसके कारण होती है, बोरॉन की कमी के कारण, हार्ट रॉट रोग बोरन की कमी के कारण होती है। चुकंदर में, फूलगोभी में विटेल रोग मॉलिब्डेनम की कमी के कारण होती है। मटर में मार्स रोग जो होता है मैग्नीज की कमी के कारण होती है। आलू का ब्लैक हार्ट रोग किसके कारण होती है, भंडारण में ऑक्सीजन की कमी कारण। ओके, भंडारण में ऑक्सीजन अगर कम हो जाएगी तो आलू में ब्लैक हार्ट रोग होगी, ब्लैक हार्ट, भंडारण में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो आलू का ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। फूलगोभी में ब्राउनिंग किसके कारण आती है, तो बोरन की कमी कारण आती है, फूलगोभी में ब्राउनिंग जो होगी बोरन की कमी कारण, वीटल रोग मॉलिब्डेनम की कमी कारण। ठीक है, फूलगोभी में वीटल रोग मॉलिब्डेनम की कमी कारण, और ये फूलगोभी में ब्राउनिंग जो हो जाती है, तो बोरन की कमी के कारण।
ठीक है। सेब, सेब गुलाब टमाटर का क्राउन गाल होती है, बीमारी है ओके, जो क्या होती है ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है प्लांट में ओके। बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है फंगस से प्लांट में। तो सेब गुलाब टमाटर का क्राउन गाल होता है ठीक है, ये बीमारी है क्राउन गाल, ये होती है किसी कारण, कौन बैक्टीरिया के कारण, तो एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमी फॉसियंस के कारण, ट्यूमी फॉसियंस, ट्यूमी फॉसियंस, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमी फॉसियंस के कारण होती है सेब में भी गुलाब में भी और टमाटर में भी। ये क्या है, बैक्टीरिया है, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमी फॉसियंसिस, इसके नाम में ही बैक्टीरिया है। आलू का स्कैब रोग होता किसके कारण, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केबीज के कारण, स्कैब से स्केबीज रखिएगा, स्कैब से स्केबीज, स्कैब से स्केबीज ठीक है, स्कैब से इसके इसके नाम में भी स्केब है ना, स्केब स्केब है। तो आलू का स्कैब रोग जो होगा किसी कारण होगा स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केबीज से ओके। आलू का स्कैब रोग जो होगा किसी कारण होगा स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केबीज से। तंबाकू का शैथिल रोग किसके कारण होता है, तो स्यूडोमोनास सोलेनियसियरम से होगा, स्यूडोमोनास सोलेनियसियरम से होता है। और आलू का स्कैब रोग किसके कारण होता है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केबीज से होता है। टमाटर का शैथिल रोग किसके कारण होता है, तो स्यूडोमोनास सोलेनियसियरम से होता है ठीक है, सोलेने सीरम से होता है, स्यूडोमोनास सोलेने सीरम से होता है टमाटर का शैथिल रोग। टमाटर में और के शैथिल रोग तो होता है, साथ ही साथ क्राउन गाल भी होता है टमाटर में, लेकिन शैथिल रोग होगा टमाटर में किसके कारण, तो स्यूडोमोनास सोले नियसियरम से होता है ठीक है, सोले ने सीरम से होता है। तो ये क्या है, बैक्टीरिया है ओके। आलू अब जीवाणु जनित पादप भी रोग है, तो आलू का शैथिल रोग बताते हैं स्यूडोमोनास सोले ने जो होता है सीरम से होता है, आलू का शैथिल रोग स्यूडोमोनास। देखिए आल तम्बाकू, तम्बाकू का शैथिल रोग सोडोमोनास सोलेने सीरम से होता है, तम्बाकू का शैथिल रोग, और साथ ही साथ आलू का भी शैथिल रोग होता है, ये भी सोडोमोनास सोलेने सीरम से होता है ठीक है। धान का अंगमारी रोग जो होती है किसके कारण होती है, तो जैंथोमोनास ओराइजी के कारण होती है ठीक है, जैंथोमोनास आर धान को आर राइस कहते हैं, तो आर को राय, राइस का अंगमारी रोग यानी धान का यानी राइस का, इसमें भी राय देख रहे हैं, तो राइस का अंगमारी रोग जो होगा किसके कारण होगा, तो जैंथोमोनास ओराइजी के कारण, जैंथोमोनास ओराइजी। नींबू का कैंकर रोग जो होती है किसके कारण होती है, तो जैंथोमोनास सिट्री के कारण होती है। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होगी, तो जैंथोमोनास सिट्री के कारण, जैंथोमोनास सिट्री के कारण होती है। गेहूं का टुंड रोग जो होता है किसके कारण होता है, कोरिनो बैक्टीरियम ट्रिटिकी से होती है ठीक है, कोरिनो बैक्टीरियम ट्रिटिकी से होता है गेहूं का टुंड रोग। टुंड रोग किसके कारण होता है गेहूं का, तो कोरिनो बैक्टीरियम ट्रिटिकी से। जैसे यहाँ कोरोनी कोरिनो देख रहे हैं ना, तो कोरोना याद रखिएगा, तो कोरोना से सब टूट गया था, टुंड से टूटना, टुंड से टूटना याद रखिएगा, तो कोरोना से सब क्या हो गया, टूट गया था, तो गेहूं का टुंड रोग जो होगा किसके कारण होगा, तो कोरिनो बैक्टीरियम ट्रिटिकी से होगा।
एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन के कारण कौन सा बीमारी होती है? तो जैंथोमोनास मालवेसियरम से होती है, जैंथोमोनास मालवेसियरम से होती है, ठीक है, जैंथोमोनास मालवेसियरम। इसको कॉटन जो होती है, कॉटन कपड़ा, मलमल का कपड़ा बनाया जाता है कॉटन से, ठीक है। तो इसके नाम है मलमल, देख रहे हैं ना, मालवे से मलमल याद रखे, मालवे से मलमल याद रखना है, ठीक है। कॉटन जो होती है मलमल कपड़ा बनता है, तो इस पूरा नाम क्या है कॉटन का, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, लीफ स्पॉट, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन के कारण मतलब इसमें कौन सा बीमारी होती है, किसके कारण? तो जैंथोमोनास मालवे सीरम के कारण होती है, ठीक है। तो ये था प्लांट डिजीज से संबंधित बीमारी। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और मेरे इस छोटे से चैनल को आगे बढ़ने में मदद करिएगा। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।